नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी टुडे और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस के अवसर पर समाज के गरीब व्यक्तियों के लिए मेले लगाकर लाभान्वित किया गया। आईटीआई परिसर में गरीब कल्याण दिवस के अवसर पर दिव्यांगजनों को सशक्तिकरण विभाग द्वारा आयोजित कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण वितरण किए गए। विधायक देवेंद्र निम ने दृष्टि बाधित बच्चों द्वारा स्वागत गीत गाए जाने पर पुष्प गुच्छ देकर उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में विभाग और अधिकारी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार से समय समय पर अनेकों लाभार्थी पूर्वक मेलों का आयोजन किया जाए जिससे एक भी गरीब पात्र लाभार्थी छूटने ना पाए। उन्होंने उपस्थित दिव्यांगजनों को कहा कि आप अपने आप को किसी से भी कम मत आंके, सरकार हर कदम पर आपके साथ है। उन्होंने सभी से अपील की कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत अपना कार्ड बनवाएं और 5 लाख के बीमा कवर का लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि रामपुर विधानसभा में बने दिव्यांग के विद्यालय के ऊंचीकरण के लिए प्रयास निरंतर जारी है। आज हमारी सरकार के जो हमारे संस्थापक थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, उनका जन्मदिवस के शुभ अवसर पर हमारी सरकार ने जो गरीब कल्याण मेले का शुभारंभ किया, आज ब्लॉक स्तर पर सभी जगह पर ये मेले आयोजन हो रहे हैं। और एक बहुत बड़ा कार्यक्रम जो दिव्यांगजनों का था, यहाँ पर जो बच्चों को और इनको जो हमारे लोग थे, पात्र लोग थे, उनको ट्राईसाइकिल देने का काम किया, बच्चों को सुनने की जो मशीन थी और अन्य उपकरण देने का जो काम था, आज यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से हो रहा है। और मैं अपनी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ऐसे मेलों का आयोजन किया जिससे जो लाभार्थी छूट गए थे, जिन्हें लाभ अभी तक नहीं मिल पाया था, ऐसे मेले लगाकर ऐसे सभी लाभार्थियों को डायरेक्ट हम लोग लाभ देने का काम कर रहे हैं। मैं अपनी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और पंडित दीनदयाल जी का जो सपना था, अंतिम छोर पर बैठा व्यक्ति है जिसके लिए लगातार सरकार ये योजनाएँ बना रही है, आज वो योजनाएँ पूरी होती दिख रही हैं। और जो भी लाभार्थी छूट गए हैं उसके बाद भी हम लोग लगातार ब्लॉक लेवल से जाकर खुद जा जाकर हम लोग उन लाभार्थियों को जो वंचित रह गए थे उनको लाभ दिलाने का काम करेंगे। खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें डीडी टुडे।